एक हरा भरा जंगल, जहां सुबह की पहली किरण पड़ते ही वो जंगल हिल उठता था। उस जंगल के पूरब की ओर सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। मगर जंगल के पश्चिम दिशा की ओर कोई जानवर तो क्या, कोई पंछी भी भूलकर भी उस तरफ नहीं जाते थे, क्योंकि जंगल की पश्चिम दिशा की तरफ रहता था एक खूंखार राक्षस। कहा जाता है कि वो राक्षस अपना इलाका छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाता है। अगर उसके इलाके के अंदर कोई भी जानवर या फिर कोई पक्षी गलती से भी चला गया तो वो राक्षस उन सारे जानवरों को मारकर खा जाता है। उसी जंगल में एक शरारती भालू का बच्चा था, जो कभी भी अपने माँ की बातें नहीं मानता था। उस भालू के बच्चे के ऊपर अपने माँ का नजर थोड़ा सा हटते ही वो भालू का बच्चा इधर उधर चला जाता था। वो हमेशा जंगल की पश्चिम की दिशा की ओर जाना चाहता था। एक दिन वो नन्हा सा भालू अपने माँ को पूछने लगा, माँ, आप मुझे हमेशा जंगल की पश्चिम की दिशा पर जाने के लिए क्यों मना करते हैं? आखिर उधर क्या है? अपने बच्चे की इस तरह का बातें सुनने के बाद माँ भालू घबराते हुए कहने लगी, ना बेटा, तू कभी भी भूल कर जंगल की उस तरफ पश्चिम की दिशा की ओर मत जाना। वहां पर एक खूंखार दानव रहता है। जो भी जानवर उस तरफ जाता है वो दानव सारे जानवरों को मारकर खा जाता है। अपने माँ के मुंह से इस तरह का बातें सुनने के बाद भी वो नन्हा सा भालू का बच्चा नहीं डरा और एक दिन अपने माँ को बिना बताए ही जंगल की पश्चिम की दिशा की ओर निकल पड़ा। दूर खड़ा वो दानव भालू के बच्चे को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। कई दिनों के बाद उसके तरफ एक जानवर आया था। तभी अचानक ही वो दानव भालू के बच्चे के सामने कूद पड़ता है और जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि क्या बात है, आज खुद ही भोजन चल के मेरे पास आया है। बहुत दिन हो गया मैं भूखा था, इस तरह का जानवर खाने के लिए मुझे आज मिला है। वो भालू का बच्चा अपने सामने उस दानव को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और मन ही मन कहता है कि अरे ये क्या है, सच में इस जंगल में एक दानव है। माँ की बातें नहीं मानने का अभी नतीजा मुझे पता चल रहा है। माँ सच ही कह रही थी, अब मैं क्या करूँगा, कोई तो मुझे बचाओ। माँ, माँ मुझे बचाओ। आज तुझे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है, ये मेरा इलाका है। तू मेरे इलाके में आकर बहुत बड़ा गलती कर दिया, आज तो मैं तुझे खाकर ही रहूंगा। उस वक्त वो नन्हा सा भालू बहुत ही डरा हुआ था और मन ही मन अपने माँ का बातें ना मानने का पश्चाताप भी कर रहा था। उसे अफसोस हो रहा था कि वो अपने माँ की बातें नहीं माना। और ठीक उसी समय उसका माँ उसे ढूंढता हुआ उसी जगह पर आ जाता है और उसी दानव के सामने अपने बच्चे की जान की भीख मांगते हुए ये कहता है कि मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कृपया मेरे बच्चे को जाने दीजिए। अगर आप खाना चाहते हो तो मुझे खा लीजिए, मगर मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। उस भालू के बातें सुनते ही वो दानव सोच में पड़ जाता है। ये क्या, अपने बच्चे को बचाने के लिए एक माँ खुद मरने के लिए तैयार है। ना जाने मैं कितने जानवरों को मार कर खाया हूँ, मेरे सामने अच्छे अच्छे जानवर अपनों का साथ छोड़कर भाग जाते हैं, मगर ये क्या, ये तो अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद ही मरने के लिए मेरे सामने आ रही है। नहीं नहीं, भले ही मैं एक राक्षस हूँ, मगर फिर भी मेरे अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत अभी भी बाकी है।
ये सोचने के बाद वो दानव कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे की ममता के सामने अपना सर झुकाता हूँ। मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने देता हूँ। चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मेरा इरादा बदल जाए। तुम अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ। और इसी तरह से उस भालू ने अपने बच्चे की जान बचाकर वहाँ से अपने बच्चे को लेकर चला जाता है। और उस दिनों के बाद वो नन्हा सा भालू हमेशा अपनी माँ की बातें मानने लगा। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि हमेशा बड़ों की बातें मानना चाहिए। अगर बड़ों की बातें नहीं मानोगे तो कहीं ना कहीं आप मुसीबत में जरूर फंस जाओगे।